बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो उसमें हमने देखा कि हमारे पास तीन तरह के यूनिट्स होते हैं, बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और तीसरा जो है वो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। तो उसी टॉपिक का नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारे पास कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स, कि हम यूनिट्स को कैसे जो है वो इंडिकेट करते हैं, क्या किस तरह से हम यूनिट्स को अपने न्यूमेरिकल वगैरह में जो है वो लिखेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं उससे रिलेटेड, वो जो है आप आज हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला है कि फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बी विद द लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट ईजी न्यूटन। मतलब जब भी हम किसी यूनिट का पूरा नाम लिखेंगे, जैसे कि हम न्यूटन लिखते हैं, तो अगर हम पूरा न्यूटन लिख रहे हैं तो उसको हम स्मॉल एन से जो है वो स्टार्ट करेंगे, इसको कभी भी हम कैपिटल एन से यू करके यूनिट जो है वो नहीं लिखेंगे। इसको हमेशा स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करना है या स्मॉल एन से इसको स्टार्ट करना है। जब हम पूरा न्यूटन लिखेंगे, पूरा यूनिट लिखेंगे, उसका जो नाम होगा या वो यूनिट होगा उसके लिए हम पहला लेटर जो है वो हमेशा स्मॉल जो है वो लिखेंगे। अगर हम ऐसे कैपिटल एन से न्यूटन लिखेंगे उस वक्त ये यूनिट हमारा क्या होगा, वो गलत होगा। इस तरह से जो है स्मॉल लेटर वाला जो है वो ठीक होगा। तो पहली बात ये कि जब भी आप किसी यूनिट का पूरा नाम लिखें, मसलन आपने न्यूटन लिखा एन ई डब्ल्यू टी ओ एन, तो इसमें न्यूटन का एन हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा, पहली बात। दूसरा, अगर हम इसको कोई और यूनिट्स को हमारे पास पास्कल है तो पास्कल हम लिख रहे हैं, तो ये पास्कल का पी भी हमेशा क्या होगा, समाल ही होगा जब हम इसको यूनिट के अंदर लिख रहे हैं। बेशक वो किसी साइंटिस्ट का नाम ही क्यों ना हो, उसको हमेशा आपने जब यूनिट में लिखना है तो वो हमेशा समाल लेटर से जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे, पहला। दूसरा ये कि द सिंबल ऑफ द यूनिट्स आफ्टर द साइंटिस्ट हैज इनिशियल कैपिटल सच एज एन फॉर न्यूटन। इसका मतलब ये अगर आप ओनली उसका सिंबल लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ किसी न्यूमेरिकल के अंदर में कहता हूँ हमारे पास जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है, तो अगर आप उसको जस्ट यू लिख रहे हैं एफ 5 न्यूटन, तो ये वाला एन हमेशा आप क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। अगर आप इसको यू लिख रहे हैं 5 न्यूटन, मतलब अगर आप पूरा न्यूटन लिख रहे हैं तो एन जो है वो स्मॉल होगा, लेकिन अगर आप इस तरह से 5 न्यूटन लिख रहे हैं तब आप एन क्या लिखेंगे, कैपिटल जो है वो लिखेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारे पास द प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस सच एज 1 × -3 मीटर इज रिटन एज। मतलब जब हम प्रीफिक्सेस की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास लेंथ का अगर यूनिट मीटर है, हम उससे पहले किलोमीटर किलो लगा रहे हैं, किलो हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स हो गया, या हम मिली मीटर लिख रहे हैं तो मिली जो है वो हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स हो गया, या अगर हम सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो सेंटी क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तो जब भी हम किसी ऐसे यूनिट के साथ प्रीफिक्स लिखेंगे तो उसके लिए क्या है कि हम एक, यानी यू अगर हम लिख रहे हैं 1 × -3, तो एक्सपोनेंट माइनस थ्री का हमें पता है ये होता है मिली, तो इस एक्सपोनेंट माइनस थ्री की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिली, विच इज एक्सपोनेंट माइनस थ्री 1 मिली और साथ में क्या आ गया, मीटर। तो इस प्रीफिक्स को, यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में जब होता है दोस्तों, हम प्रीफिक्स की फॉर्म में यूं करके लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो 1 × 3 और साथ में हो एम मीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 3 जो है वो हमारे पास क्या होता है, किलो, और साथ में क्या जाएगा, मीटर। फोर्थ पॉइंट है इसका कि कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स इज रिटन ईच विद 1 स्पेस और फॉर एग्जांपल न्यूटन मीटर इज। तो इसका मतलब कि जब भी हम कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स लिखेंगे, यानी अगर हम यूनिट्स एक से ज़्यादा लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम लिख रहे हैं न्यूटन मीटर, तो दो यूनिट इस्तेमाल होंगे, एक न्यूटन और दूसरा मीटर, तो जब भी हम इनको लिखेंगे तो इनके दरमियान एक स्पेस जो है वो हम ज़रूर लगाएंगे। इसको हम इकट्ठा यूँ नहीं लिख सकते न्यूटन मीटर, बल्कि इनके दरमियान एक स्पेस जो होगा न्यूटन मीटर। तो यही बात कि जब भी यूनिट्स को कंबाइन करेंगे एक से ज़्यादा
सिस्टम यूज कर रहे हैं, न्यूटन मीटर कर रहे हैं, तो हमारे पास न्यूटन मीटर दरमियान में एक स्पेस जो है उसका होना जरूरी है। इसको इकट्ठा नहीं लिखेंगे, इसको एक स्पेस के साथ मतलब एक स्पेस का गैप इनके दरमियान होगा न्यूटन और मीटर के दरमियान। नेक्स्ट पॉइंट जो है कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, यानी हम दो एक जैसे प्रीफिक्सेस या कभी भी कम एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस जो है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हमने लिखा है एग्जांपल में कि 1 माइक्रो फैरेड, ऐसा हम नहीं लिख सकते। हम अगर हमारे पास इस तरह की कोई शेप है तो ये गलत होगी, इसको कैसे लिखेंगे? आपको पता है माइक्रो जो है वो होता है एक्सपोनेंट -6, अगर यू लिखा हुआ है 1 माइक्रो फैरेड तो ये गलत है, इसको कैसे लिखेंगे? 1 एक्सपोनेंट -6 साथ में फैरेड, तो ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट -12 फैरेड। तो एक्सपोनेंट -12 को हमारे पास होता है पिको, तो हम 1 माइक्रो फैरेड नहीं लिखेंगे, यानी दो प्रीफिक्सेस इकट्ठे नहीं आए हैं कभी भी, इनको एक ही शक्ल में लिखेंगे, तो इनको एक बनाएंगे तो कैसे बनेगा 1 पिको फैरेड। उसके बाद नेक्स्ट जो है जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास है कि अ नंबर सच एज 5 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर मे बी एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन एज 5 एक्सपोनेंट 2 मीटर। जैसा कि हमारे पास ये फिगर एक है 5 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर। आपको पता है सेंटी जो है वो होता है एक्सपोनेंट -2, सेंटी किसके इक्वल होता है? एक्सपोनेंट -2। तो अगर हमारे पास यूँ लिखा हुआ है 5 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर, तो इसके बजाय एक अच्छा मेथड जो इसका लिखने का है वो ऐसे हो सकता है कि 5 एक्सपोनेंट 4 सेंटी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? एक्सपोनेंट -2, और ये सेंटी की जगह पे एक्सपोनेंट -2 और मीटर जो है वो वैसे आ गया। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 5 एक्सपोनेंट +4 -2, 4 -2 साथ में क्या आ गया? मीटर। जैसे को हम यूँ लिख सकते हैं 5 एक्सपोनेंट 4 -2, 2 मीटर। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है 5 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर, तो इससे एक अच्छा मेथड क्या है? वो ये है कि सेंटी को हम चेंज कर दें, यानी इसकी जगह पे -2 पुट करके इसको सिंप्लीफाई यूँ करेंगे 5 एक्सपोनेंट 2 मीटर। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है कि व्हेन अ मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज रेज टू अ पावर द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल एंड नॉट टू द बेस यूनिट ओनली। मतलब कि अगर हमारे पास यूँ लिखा हुआ है 1 किलोमीटर स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है ये वाला स्क्वायर ये सिर्फ मीटर के ऊपर नहीं है, बल्कि इस स्क्वायर का मतलब हम होल स्क्वायर लेंगे, यानी इसको हम यूँ लिखेंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर जो है ये सिर्फ मीटर का नहीं होगा, ये साथ में इसका ये जो हमने किलो साथ लगाया हुआ है इस किलो का भी ऊपर क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो अगर हम इसका होल स्क्वायर लें तो कैसे बनेगा? किलो होता है एक्सपोनेंट 3, साथ में क्या आएगा? मीटर, और इसका यानी इसको हम यूँ लिखेंगे 1 एक्सपोनेंट 3, किलो की जगह पे एक्सपोनेंट 3 मीटर, और सारे का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर 1, एक्सपोनेंट 3 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा एक्सपोनेंट 6, और m का स्क्वायर क्या बनेगा? m स्क्वायर। तो कहने का मतलब कि अगर हमारे पास यूँ लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर सिर्फ m के ऊपर नहीं होगा, ये साथ वाले प्रीफिक्स के ऊपर भी स्क्वायर होगा, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह की शेप जो है वो बनेगी। उसके बाद अक्सर ऐसे होता है हमारे पास कि जब हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर हम स्क्रू गेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्क्रू गेज जो है या वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज ये जो हमें रीडिंग देते हैं ये मिलीमीटर में देते हैं। तो जब भी हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं जिनमें हम एक ऐसी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं जो या हमें बहुत बड़ी बड़े यूनिट में आंसर दे रहा है, या बहुत छोटे यूनिट मतलब मिली में या सेंटी में मतलब हमें रिजल्ट दे रहा है, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जैसे अगर हमारे पास स्क्रू गेज मिलीमीटर में रीडिंग दे रहा है,
जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो जो मिली है वो फौरन से अपने हम एसआई यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जो कि हमारे पास क्या होता है, मीटर जो है वो होता है। इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।